किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं दिया। अपने राजधन के आईने में अपना चेहरा देखे कांग्रेस। और सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है। शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था। कल कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां गई थी और हमें राजधर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो आज मुझे राजधर्म के बारे में कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी से कुछ सवाल करने हैं। सोनिया जी, पहली बात आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के विस्थापित हैं, जिनको उनके आस्था के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी पार्टी की एक सोच रही है। वो सोच क्या थी? नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू तो अपनी जगह पर हैं, आपके नेताओं ने भी बार बार खुलकर स्टैंड लिया था। इंदिरा जी ने युगांडा के विस्थापितों को मदद की थी इदी अमीन के समय, राजीव गांधी ने तमिल लोगों को मदद किया था श्रीलंका की समस्या के समय, ठीक काम किया था। मनमोहन सिंह ने विपक्ष में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी से आग्रह किया था राज्यसभा में, वो सब वीडियो आपके सामने में है, कि नागरिकता मिलनी चाहिए। और हमारे जो अशोक गहलोत हैं, वो तो शिवराज पाटिल को भी पत्र लिखते थे कि नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आडवाणी जी को पत्र में लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए, तो अपनी सरकार के गृहमंत्री को लिखा और हमारी सरकार के गृहमंत्री को लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए, तरुण गोगोई ने किया। तो ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गए? आपको सोनिया जी इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या जो मनमोहन सिंह ने सवाल किया था वो गलत था? क्या जो इंदिरा जी ने और राजीव गांधी ने काम किया था वो गलत था श्रीलंका और युगांडा के भारतीयों के विषय में? और आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार पत्र लिख रहे थे, आडवाणी जी उस समय के उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और शिवराज पाटिल को, तो क्या ये गलत था? ये कौन सा राजधर्म है ये हम जानना चाहते हैं। आपने ये बात उठाई थी, आपने पूरी नहीं की। 10 साल में हमारी सरकार ने पूरा किया उस दायित्व को जो उन आस्था से पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन के बारे में था। और सिर्फ आप यही नहीं करते हैं, सोनिया जी जरा आप अपनी टिप्पणियों को देखिए। रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं, सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। पूरा सीए संवैधानिक मर्यादा के अनुसार हुआ था ना, दोनों शब्दों में बहस हुई, दिन भर बहस हुई, हर क्लॉज पर वोटिंग हुई, देश ने बहस को देखा, आपने भी अतीत में इस मांग का समर्थन किया और अब आप कहती हैं इस पार या उस पार, ये कौन सा राजधर्म है? सोनिया जी, ये आपने लोगों में उत्तेजना क्यों फैलाई ये हम जानना चाहते हैं। अब राजधर्म पर दूसरा सवाल करना है मुझे कांग्रेस से। एनपीआर, ये देखिए, ये कांग्रेस का नोटिफिकेशन है 15 मार्च 2010 का।
देखा होगा आपने इसको, चिदंबरम साहब की सरकार थी, मनमोहन गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। क्या लिखा हुआ है, इन एक्साइज ऑफ पावर कंफर्ड बाय सेक्शन 18 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय डिसाइड्स टू प्रिपेयर द पॉपुलेशन रजिस्टर इन द कंट्री। तो आपने शुरू किया, देश के लिए अच्छा शुरू किया कि देश के नागरिक नहीं निवासियों का रजिस्टर बनना चाहिए, देश में कितनी गैस है, कितनी गाड़ी है, कितने घर में पक्के मकान है, कितने बिजली लोगों को मिलती है, सब देश में आना चाहिए। और मेरे पास लोकसभा की उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट भी है। आप करें तो ठीक, हम उसी बात को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सोनिया जी, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, आजकल मैंने राहुल गांधी पर बोलना थोड़ा कम कर दिया है, तो आप समझते ही हैं कि उनके जवाब देने में कई बार मर्यादा की सीमाओं को लांघने की मजबूरी भी आ जाती है, जिस तरह का उनका स्तर हो गया आजकल। लेकिन आजकल प्रियंका गांधी भी बोलती हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी दिखाया जाए कि उन्होंने क्या बोला। ये देखिए, अगर आज हम चुप रहे तो नष्ट हो जाएगा बाबा साहब का संविधान। क्या मतलब है इसका, एक बार बार हारी हुई कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से उनके नेता उकसाएंगे, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, तो उत्तेजना फैलाया किसने। शाहीन बाग में कांग्रेस के नेता गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या आप लोग टीवी चैनल नहीं चलाया कि एक ने मोदी जी को कातिल कहा था। जिन्ना वाली आजादी के साथ खड़े थे वो, ये क्या है। और सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तब भी आप खामोश थे, क्या आपकी पार्टी ने यह भी नहीं कहने की जरूरत समझी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। यह है आपका रिकॉर्ड, यह है आपका राजधर्म। श्रीमती सोनिया गांधी, प्लीज डोंट प्रीच अस राजधर्म। योर रिकॉर्ड इज फुल ऑफ रैपिड वायलेशन, ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर प्लेन एंड सिंपल वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो अपने राजधर्म के आईने में अपना चेहरा देखे कांग्रेस पार्टी, हमें ना बताया जाए। देखिए मित्रों, आज ये बोलने का समय नहीं था, दिल्ली में शांति होनी चाहिए, हम सबों की कोशिश होनी चाहिए वहां शांति हो। प्रधानमंत्री ने अपील किया, आपने देखा होगा, दो दो बार अपील किया। अमित शाह जी ने हर पार्टी की बैठक बुलाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए। दिल्ली में नहीं होना चाहिए था, काफी लोगों ने उत्तेजना पैदा की, उकसाया किसके छत से क्या तेजाब मिल रहा है और क्या क्या पेट्रोल पंप मिल रहा है, आप टीवी पर दिखा रहे हैं आप। लेकिन अभी का काम शांति का था ना, सद्भाव का था ना, कि अभी हम राजनीति नहीं करेंगे, दिल्ली में शांति चाहिए। तो राजधर्म के नाम पर देश में उत्तेजना फैलाने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड के बारे में हमें बहुत कुछ बोलना है और बहुत कुछ बोला भी जाएगा। किस तरह से वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिरी है, लेकिन कभी देश के सद्भाव के मामले पर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, यह बताना बहुत जरूरी है। देखो, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बात कही गई कि आसाम को तोड़ने की बात की जा रही थी,
कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बात कही गई कि जिस तरह से उत्तेजना की बातें की जा रही थी वो गलत है, कि हिंदू मुसलमान का हिसाब हो रहा था। मैं जानकर के इंडिविजुअल किसी समाज के नेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूं। आज मेरे सवाल कांग्रेस पार्टी से हैं, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना योग है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। द बीजेपी कंडेम्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स द प्योर पॉलिटिकिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग सच ए सेंसिटिव इशू वेयर वी ऑल नीड टू टॉक कलेक्टिवली अबाउट पीस, एमिटी, हार्मोनी एंड रिस्टोरेशन ऑफ क्लोजर पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्लिएस्ट। ये समय शांति के लिए हाथ बढ़ाने का है, ये समय उत्तेजना फैलाने का नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्वर जो दिसंबर में आर पार का था, वही स्वर आज तक है, और उसका कारण एकमात्र है कांग्रेस अपनी हार नहीं भूल पाती, और जब भी मौका मिलता है तो परिवार हित, उसके ऊपर पार्टी हित, फिर कभी दूर से देश हित, यह उनकी सोच है। यह सोच ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि आज इसको विस्तार से बता दिया जाए। जहां तक बाकी सवाल है, वहां शांति की दिशा में काफी आगे कार्रवाई हुई है, हम लोग को भी संतोष है, हिंसा बंद हो गई है। आप लोगों ने भी जिस तरह से चीजों को रखा है, तनाव को कम करने में उससे एक सहयोग मिला है। लेकिन हां, हमारे पास देश के कई गुणी पत्रकारों के भी ट्वीट्स हैं, उस पर चर्चा कभी होगी। उस ट्वीट से क्या संदेश निकलता है ये कभी चर्चा करना पड़ेगा, वो विषय आज का नहीं है। अगर शांति होनी चाहिए तो ये सबों का प्रयास होना चाहिए। आई थिंक ऑन योर चैनल द डिस्टिंग्विश्ड होम मिनिस्टर क्लैरिफाइड दिस पोजिशन वेरी क्लियरली। ओके, यस, आई ओनली वॉन्ट टू रिकॉल द पार्टी हैज क्लैरिफाइड इट्स पोजिशन वेरी क्लियरली, दे हैव नॉट अप्रूव दीज स्टेटमेंट। Action is a matter which the police is looking into, matter is sub judice, court is asking. Let us not argue, please. We have already clarified our position very clearly. The party has not approved it. देखिए, जहां तक बीजेपी के कुछ नेताओं का विषय है, पार्टी ने उच्च स्तर पर कभी इसे उचित नहीं माना, इसको बताया भी है, और आपसे मैं आग्रह करूंगा, कृपया करके ऐसे विषयों पर आप प्रधानमंत्री के ट्वीट्स को देखिए, होम मिनिस्टर की अपील को देखिए, पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं की अपील को देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, ये बातें कही गई हैं सबों के सामने। आई विश टू मेक इट वेरी क्लियर, इफ पब्लिकली वेरी सीनियर लीडर्स हैव डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस कमेंट्स पब्लिकली, आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट, दैट शुड बी वेरी क्लियर। And the party within its own internal system surely respond to these situations. देखिए, आप एक बात समझिए, उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, उनके ऊपर किसी की हत्या करने का आरोप है, उसके लिए उकसाने का आरोप है, वो भी कौन से, तो एक IB के ऑफिसर के बारे में, और उनके घर पर क्या क्या मिला है ये आप देख रही हैं, आप लोग दिखा रही हैं, तो कृपया करके ये कौन सी तुलना कर रही हैं आप। देखिए, ऐसा है, ये विषय ऐसा है कि ऑलरेडी SIT बन चुकी और अभी सारे कॉन्स्पिरेसी एंगल की जांच करने के लिए, लेकिन ये विषय ऐसा है जिस पर थोड़ी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। अभी का विषय है जल्दी शांति होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। रवि जी, ऐसा लगा है कि जो तीन दिन तक हिंसा होती रही दिल्ली में, राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को जो कदम उठाने चाहिए थे हिंसा को रोकने के लिए, वैसे कदम नहीं उठाए गए, ये जंगली रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही है।
देखिए इसके बारे में पुलिस का महकमा खुद उत्तर देगा, उसकी जांच भी करेगा, अगर कोई कमियां है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होगी। लेकिन ये सब विषय देखे जाने चाहिए, जरूर देखे जाएंगे। अभी हम सबों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वहां शांति और सद्भाव हो। आई थिंक माई ट्वीट वॉज वेरी क्लियर यस्टरडे, इट वाइडली पिक्ड अप इन द कंट्री, आई वॉज इन देहरादून यस्टरडे। नॉर्मली इन माई पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई डोंट टेक अप इश्यूज विद रिगार्ड टू माई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एज ए मिनिस्टर, बट सिंस यू हैव आस्क्ड दिस पब्लिकली लेट मी क्लैरिफाई। एज आई हैड स्टेटेड अर्लियर, ऑन 12th ऑफ फरवरी द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has recommended the transfer not only of the judge in question of Delhi, but some other judges. And as per the routine of transfer, the consultation with the Chief Justice where he is going and the consent of the judge concerned is also taken. All these requirements were properly complied with. Therefore, the judge who was hearing the matter has already consented to his transfer. It was a part of the process. Therefore, nothing more needs to be done, and by the same process, dozens and dozens of judges have been transferred. And I wish to, since you have asked this question, I wish to clarify that this government is led by Narendra Modi, Rajnath Singh, Defence Minister, Ravi Shankar Prasad, the Law Minister, and late Arun Jaitley, Sushma Swaraj and many others who have fought against emergency. And in that emergency we have fought for three freedom: individual freedom, judicial freedom and freedom of media. We have suffered lathi blows, gone to jail. Therefore our commitment to these freedom have been fundamentals. When those who are asking us questions, they are supporting supersession. ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए जहां तक, मैं किसी जज का नाम नहीं लूंगा, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया बहुत ही स्थापित है। इस मामले में 12 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता में दिल्ली के एक न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश और दो अन्य के स्थानांतरण का की अनुशंसा की थी, और प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरण की अनुशंसा के साथ साथ उनकी सहमति भी ली जाती है, कंसेंट, और जहां वो जाते हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ली जाती है। तो उसके आधार पर यह निर्णय हुआ, और किसी केस की सुनवाई से इसका कोई संबंध नहीं है, उसके पहले ही अनुशंसा थी और सहमति थी। तो मेरे ख्याल में इसको ध्यान रखना चाहिए, और इसी प्रक्रिया के अनुपालन में दर्जनों माननीय न्यायाधीशों का स्थानांतरण हुआ है। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, कानून मंत्री मैं स्वयं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया है, जेल के अंदर अंडरग्राउंड रहकर लाठियां खाई हैं, जेल गए, और वहां हमने 3 आजादी के लिए संघर्ष किया था, व्यक्तिगत आजादी, न्यायपालिका की आजादी और मीडिया की आजादी। तो कृपया करके हमें वो पाठ न पढ़ाएं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सुपरसीड कर रही थी तो वो तालियां बजा रहे थे। कृपया करके हमें नसीहत न दें। We totally disagree with your insinuation of that. The Prime Home Minister has been very, very proactive from day one. That is entirely their discretion. There is no legal sanction for that. But we leave. It is entirely up to them. Now that is a question you will ask. Why 14 days? Why not 4 months? I don't want to. Normally I don't want to go there. Listen to me. We have explained the position. I don't want to wish to enter into a debate about it. We are dealing with judiciary. We need to maintain that sanctity.
and as a law minister I need to. These parameters are question of dialogue between the Registrar General of Census and the administration. I need not come there. I'm the Home Ministry in particular. They've already explained, many times they have also stated that there will be no compulsion for any particular document. Let's leave it there. आपके इस असेसमेंट से हम एग्री नहीं करते हैं. हमारी पूरी कोशिश जारी है और किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा. धन्यवाद.